મુંબઈ થી અમદાવાદ સુધી શરૂ થનાર હાઈસ્પીડ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ના નવસારી ખાતે ફૂલ સ્પાનની કાસ્ટિંગ કામગીરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. નવસારી જિલ્લા નસીલ ગોમ ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટને એવા બુલેટ ટ્રેનની માટેની કામગીરીને વેગ આપવા માટે કેન્દ્રીય મંત્રી દર્શના જરદોશી ઉપસ્થિતિમાં ફૂલ સ્પાનના કાસ્ટિંગ કામગીરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज दीपावली की शुरुआत हुई है और ये दीपावली के लिए प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये बड़ी भेंट दी है और आप टेक्नीशियन ने ये सबसे बड़ी भेंट हमें दी है कि इतना बड़ा गर्डर जो भारत में पहली बार लगने वाला है उसका काम, दूसरा गर्डर का काम आज हम लोग उनका ओपनिंग करने जा रहे हैं. तो ये कास्टिंग के लिए टेक्निकल बात तो अग्निहोत्री जी बताएंगे, लेकिन कल 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के दिन पर हम लोगों ने जिस तरह से सभी संकल्प किए हैं, एकता का संकल्प किया है, उसी तरह आने वाले दिनों में भी हम लोग साथ में मिलकर भारत को कई ऊंचाई तक ले जाएंगे और उसके लिए हमें प्रधानमंत्री से ये हमेशा प्रेरणा मिलती है और इन्हीं के कारण उनका जो डेवलपमेंट का सूत्र है सभी लोगों ने, पूरी दुनिया ने उनको स्वीकार लिया है. जब वो कोई सपना देखते हैं तो बहुत बड़ा सपना. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ए भारत माटे घणा बड़ा सपना जोया छे अने दीपावली नी शुभ शुरुआत में एक खूब सरस सपनू पूरु थवा जई रह्यु छे. हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ने माटेनू 40 मीटर ऊँचू गर्डरनू आज अहीं लॉन्चिंग थई रह्यु छे अने आवुं बीजुं स्पेन छे जेनू 1000 टन जेटलू वजन छे अने एना कारणे आ ट्रेन जे तमने चालवानी छे एनी झड़प, एनी गति अने एनुं काम L&T ना सहयोगथी अहींया भारतनी अंदर निर्माण थयेली वस्तु द्वारा बनवानी छे. जापानी टेक्नोलॉजीनो सहयोग लेवाना छीए પણ આપણા ટેકનિશિયનો મિસ્ટર અગ્નિહોત્રી છે જે આખા પ્રોજેક્ટને જોઈ રહ્યા છે રેલવેનો અને એ તમને ટેકનિકલ વાત પણ કહે છે પણ એની સાથે સાથે આજે આ બિલીમોરા અને સુરતની વચ્ચેની ટ્રાયલ રન જલ્દીમાં જલ્દી શરૂ થાય એના માટેનો અમે કટિબદ્ધ છીએ. 26 જુલાઈ સુધીમાં અમે લોકો આ બુલેટ ટ્રેનની ટ્રાયલ સુરત બિલીમોરાની વચ્ચે શરૂ થવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. नेशनल हाई स्पीड रेल टेक्निकल क्या होने वाला है यहाँ पे? ठीक है, देखिए ये 508 किलोमीटर की लंबी लाइन है, इसमें 350 किलोमीटर करीब गुजरात में आता है और बाकी महाराष्ट्र में आता है. 350 में से करीब 98% लैंड हमको पूरी मिल चुकी है जो कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है. जनरली लैंड मिलती नहीं है तो ये प्रोजेक्ट जो है हाई स्पीड में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे इस पर गाड़ी चलेगी. ज़मीन अगर हम एक्वायर करते हैं तो इसके लिए 50 मीटर ज़मीन हमको सारी एक्वायर करनी पड़ती 508 किलोमीटर में. ज़मीन कम एक्वायर हो, खेती के लिए बनी रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये कहा था कि ज़मीन कम आप यूज़ करो, ऊपर चले जाओ. तो पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो एलिवेटेड है. एलिवेटेड करने में मेरे को 15 से 16 मीटर की सिर्फ चौड़ाई की ज़मीन लेनी पड़ती है क्योंकि एक तो पिलर आएगा और साथ में गाड़ियाँ चलती हैं. तो अभी आज जो काम जिसके लिए मैडम माननीय मंत्री जी आई हैं यहाँ पर, उसका जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि इस तरीके का गर्डर भारत में पहली बार कास्ट होगा. मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखना शुरू किया. इस गर्डर का वजन 1000 टन होगा. यहाँ पे जो आप इसके अंदर रीइन्फोर्समेंट देख रहे हैं वो रीइन्फोर्समेंट भी 45 टन का है. इसको उठा के बाहर करके फिर जब रखते हैं अंदर, उसका वजन जो एक फ्रेम उठाता है उसका वजन भी 45 टन है. तो 90 टन को 250 टन की दो क्रेन उठा के पहले जो बॉक्स बना हुआ उसमें रख देंगे. रखने के बाद मुख्य चीज़ जो है, जो कि इंडिया में कभी नहीं हुआ और दुनिया के सिर्फ 4 और देशों में होता है, इटली, स्पेन, कोरिया एंड चाइना, इंडिया इज़ गोइंग टू द 5th कंट्री, कि गर्डर इकट्ठे कास्ट नहीं हो पाता क्योंकि बॉक्स होता, बॉक्स में अंदर एक होल होता है तो वो होल रखने के लिए कास्टिंग पूरी इकट्ठे नहीं हो सकती, कंक्रीट नीचे चली जाएगी. तो ये ऑटोमेटिक शटरिंग जो है ये इम्पोर्ट करने का था, तो कुछ शुरू करने के लिए तो मैं करना था, लेकिन शुरू करने में पहला शटर जो हमने वहाँ लगाया आनंद में, वो सूरत की फैक्ट्री है विन स्टील,
उसने मैन्युफैक्चर किया फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, उसको हमने यूज़ किया। तो यहाँ